आंगनबाड़ी की बहनों की स्थिति आप देखिए, आप ममता की स्थिति देखिए। सर लोकसभा सदन में फिर से एक बार आंगनवाड़ी सेविका सहायिका आशा ममता रसोईया की गूंजी आवाज। बिहार राज्य के पूर्णिया सांसद माननीय राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी के द्वारा उठाया गया सवाल। अब कहीं जाकर लगता है कि आंगनवाड़ी सेविका सहायिका आशा ममता रसोईया होंगी सरकारी कर्मचारी वेतनमान। जी नमस्कार, मैं सविता कुमारी यादव। आप भारतवर्ष की तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का आपका अपना यूट्यूब चैनल सविता कुमारी यादव में हार्दिक स्वागत करती हूं, नंदन करती हूं, अभिनंदन करती हूं। बहनों आपने सही सुना, कल 2 जुलाई को उत्तर प्रदेश के नगीना लोकसभा सांसद माननीय चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा आंगनबाड़ी आशा ममता रसोईया की आवाज उठाई गई थी। वहीं उनके अभिभाषण के बाद बिहार राज्य के पूर्णिया लोकसभा सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी के द्वारा आशा आंगनवाड़ी ममता रसोईया की आवाज उठाई गई। हालांकि बिहार राज्य के पूर्णिया सांसद माननीय श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी के द्वारा सबसे पहले बिहार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा सहित कोसी सीमांचल से जुड़ी किसानों मजदूरों बांध की भी बातें रखी गई। माननीय सांसद पप्पू भैया के द्वारा आंगनवाड़ी सेविका सहायिका आशा ममता रसोईया की मांगों को और भी जोरदार तरीके से रखा जाता इससे पहले कि उनका टाइम ऑफ हो गया और माननीय स्पीकर महोदय के द्वारा उनका माइक का लाइन ऑफ कर दिया गया। हम आगे आशा भी करते हैं, उम्मीद भी करते हैं कि माननीय सभी सांसदों के द्वारा भी और विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी के द्वारा भी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका आशा ममता रसोईया की वेतन संबंधी मुद्दों पर जोरदार तरीके से बातें रखी जाएंगी, इनकी मांग पूरा करवाने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। इससे पहले आइए हम आपको पूर्णिया सांसद माननीय राजेश रंजन उर्फ पप्पू भैया का भाषण सुनाते हैं, किस तरह उन्होंने लोकसभा सदन में आंगनवाड़ी सेविका सहायिका आशा ममता रसोईया की आवाज उठाई। जो समाज के सबसे कमजोर तबके के लोग हैं उसमें मैं आपको बता दूं कि उनके थाली में 160 रुपया वाला दाल नहीं है, 120 रुपया वाली सब्जी नहीं है। मेरा रिक्वेस्ट है बिहार का विशेष राज्य, किसी भी परिस्थिति में जो आपने पहली बार गांधी मैदान में कही थी और आरा की सभा में कही थी कि हम बिहार को अपना बनाएंगे, अब मेरा है, और बिहार को हर परिस्थिति में विशेष राज्य का दर्जा देंगे और विशेष पैकेज देंगे मिथिला कोसी सीमांचल और मगध को, हाई डैम के लिए, वहां के मक्का और मखान पर आधारित किसान के लिए, उस इलाके से बाढ़ की मुक्ति के लिए, उस इलाके के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, लेकिन अभी तक उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। आंगनबाड़ी की बहनों की स्थिति आप देखिए, आप ममता की स्थिति देखिए। सर मैं वही पॉइंट पर तो बोल रहा हूँ, इंक्लूड सर, हमको 3 मिनट दीजिए सर। ममता आशा, मैं वही कह रहा हूँ सर, रसोईया सर, पॉइंट वाइज बात कर रहा हूँ सर, मेरा कंक्लूड कीजिएगा सर, कल को 3 मिनट दीजिए ना सर, तब फिर बोल के क्या फायदा होगा सर। मेरा रिक्वेस्ट क्या है, मेरा रिक्वेस्ट है, आपका रिक्वेस्ट बताइए फाइनली, कि बिहार में जो मैं आंगनबाड़ी की किसकी बात कर रहा हूँ सर, एक भी जगह दलित और आदिवासी के में ओटीएफ नहीं है, आप चल के जांच कर लीजिए। जल नल योजना लगभग बर्बाद हो चुका है सर, स्मार्ट सर, मैं कंक्लूड बोल तो रहा हूँ, स्मार्ट मीटर बिजली सर, 2 मिनट घड़ी देख लीजिए। स्मार्ट मीटर बिजली सर, वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन हेल्थ एंड वन नेशन वन प्रेमचंद्र सर, मैं सर हमारी बात तो हो जाए सर, सहारा इंडिया के जो वर्कर, सहारा ऑफ इंडिया के जो ग्राहक सर, उसका पैसा नहीं मिला। थैंक यू मिस्टर प्रेमचंद्र, थैंक यू मिस्टर चेयरमैन सर। Four.
अफोर्डिंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। तो आइए आपको दिखाते हैं हिंदुस्तान पेपर का कटिंग, जिसमें पूर्णिया सांसद माननीय राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी के द्वारा लोकसभा सदन में किया गया मांग को दर्शाया गया है। ये है हिंदुस्तान पेपर, कोसी सीमांचल को मिले विशेष पैकेज, पप्पू यादव। ये है मांग। पूर्णिया बड़ी संवाददाता, सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव के दौरान किया गया उनका वादा याद दिलाया। कोसी सीमांचल व मगध को विशेष पैकेज देने की मांग की। पप्पू यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री जब पहली बार बिहार आए थे तब गांधी मैदान पटना और आड़ा में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा किया था, सत्ता में आने के बाद बिहार को भूल गए, इसलिए आग्रह है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। उन्होंने कहा था कि बिहार को अपना बनाएंगे, इसलिए कोसी सीमांचल और मगध को विशेष पैकेज दिया जाए। पप्पू यादव ने जातिगत जनगणना कराने की भी मांग की और कहा कि जब बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार थी तब तो जातिगत जनगणना हुई, उसके अनुसार गरीब और गरीबों की हालात अच्छी नहीं थी, वे लोग आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे, इसलिए हमारी मांग है कि देश भर में जनगणना कराई जाए। सदन को संबोधित करते हुए आंगनवाड़ी, आप लोग देख सकते हैं कि उन्होंने जो लोकसभा सदन में आंगनवाड़ी या समानता रसोईया की मांग की वो यहाँ पे दर्शाया गया है। सदन को संबोधित करते हुए आंगनवाड़ी, ममता, आशा, रसोईया की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी, ममता, आशा, रसोईया की हालात बेहद खराब है, लेकिन इस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सांसद ने कहा कि बिहार में जल नल योजना बर्बाद हो गई है, इस ओर भी मैं सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। उन्होंने दलित और आदिवासी को ODF का मुद्दा उठाते हुए कहा कि आखिर बिहार के साथ इतनी नफरत क्यों है। पप्पू यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि अगर प्रधानमंत्री इतने ही यशस्वी हैं तो फिर कांग्रेस चालीसा, नेहरू, इंदिरा, राहुल चालीसा बंद करिए ना, अपने प्रति ईमानदार बनिए ना, आखिर क्यों प्रधानमंत्री जी को गरीबों की चिंता नहीं है। वे अगर इतने सशक्त हैं तो आज भी 84 करोड़ लोगों को अरबा चावल क्यों देना पड़ रहा है। यहाँ पे इनका जो लोकसभा सदन में आवाज़ उठा रहे थे उस समय के यह फोटो लगा हुआ है, आप देख सकते हैं यह फोटो। राष्ट्रपति अभिभाषण के दौरान अपनी मांग को लेकर बोलते सांसद, लोकसभा में पप्पू यादव ने उठाए गरीबों के साथ आंगनवाड़ी, ममता, आशा, रसोईया का मुद्दा। आप लोग ध्यान से देखें, हमने यही आपको अपने वीडियो में बताया है। तो आप लोगों ने पूर्णिया लोकसभा सांसद माननीय राजेश रंजन उर्फ पप्पू भैया का भाषण भी सुना और पेपर कटिंग भी देखा। 2 जुलाई आंगनवाड़ी सेविका सहायिका आशा ममता रसोईया बहनों के लिए बहुत बड़ा दिन था, बहुत ही अच्छा दिन था, क्योंकि उस दिन किसी एक माननीय सांसदों के द्वारा नहीं बल्कि दो माननीय सांसदों के द्वारा आंगनवाड़ी सेविका सहायिका आशा ममता रसोईया की मांगों को पुरजोर तरीके से लोकसभा सदन में उठाने का काम किया गया। हम आगे भी उम्मीद करेंगे कि तमाम माननीय सांसदों के द्वारा ही नहीं बल्कि नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री राहुल गांधी जी के द्वारा भी तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका ममता रसोईया बहनों की मांगों को लोकसभा सदन में पुरजोर तरीके से उठाने का काम किया जाएगा और इनकी मांगों को पूरा करवाने में इनकी अहम भूमिका होगी। आज का खबर बस इतना ही था, विशेष और खबर हम अगले खबर में दिखाने का काम करेंगे, लेकिन आप लोगों से एक बात हम कहना चाहेंगे कि सविता कुमारी यादव यूट्यूब चैनल पर आपको 100% सच्चा न्यूज दिखाया जाएगा। जिनको लगता है कि यहाँ पे गलत न्यूज दिखाया जाता है हम उनको कुछ नहीं कह सकते हैं, बस इतना कह सकते हैं कि आपकी नजर की दोष है।
क्योंकि प्रूफ के तौर पे हम हर चीज दिखाते हैं, ये न्यूज कल 2 जुलाई का है। यहां गलत कुछ भी नहीं दिखाया जाएगा। आपके समक्ष गलत परोसने से हमें क्या फायदा होगा? हम कोई प्राइवेट आदमी नहीं है कि आपको न्यूज दिखा करके हम यहां से चलते बनेंगे। हम एक आंगनवाड़ी वर्कर है और आपकी नेत्री है। झूठ बोलना हमारा काम नहीं है। इसलिए इस चैनल पे, जिसका नाम है सविता कुमारी यादव, आप लोग अपना विश्वास भरोसा बनाए रखें। यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं दिखाया जाएगा, इतना विश्वास आप रख सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक एक कमेंट जरूर करेंगे, और भी साथियों तक भेजने के लिए शेयर भी कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के वीडियो में बस इतना ही। हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।